Hello, shining stars. How are you all? I hope you all are doing good. And today we are here again with the book Jelly Bean Journeys in Social Studies, Class 8, Brain Root Series. And this is your learning buddy Aprajita with a new chapter for you. That is chapter number 6, Civilizing the Native, Educating the Nation. तो आइए देखें इस चैप्टर में क्या है. सम एंड सब्सटेंस मीन्स द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द प्री कॉलोनियल एजुकेशन, अबाउट इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, अबाउट ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंजलिस्टिक, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, देन बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन अलीगढ़ एंड बड़ौदा. अलीगढ़ बड़ौदा में मॉडर्न एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ. अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर्स विजन, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम. नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स, रिट्रीव इट, फाइंड इट आउट. व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन एंशियंट एजुकेशन सिस्टम एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम. राइट एनी फाइव डिफरेंसेस. नाउ सी, ये है एंशियंट एजुकेशन सिस्टम. वहाँ बाहर पेड़ के नीचे बैठ के एजुकेशन दिया जाता था, ज्ञान दिया जाता था. ऋषि मुनि होते थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे, सिखाते थे. दे वर अमंगस्ट इन द नेचर, दे सैट इन द नेचर एंड दे यूज टू लर्न मैनी थिंग्स. नाउ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, हम क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ाई करते हैं. वी आर कट ऑफ फ्रॉम द नेचर, हमें नेचर से कॉन्टैक्ट में हम नहीं रहते हैं, हम एक कमरे के अंदर रहते हैं. वहाँ अ टीचर इज देयर, अ ब्लैक बोर्ड इज देयर एंड द टीच द स्टूडेंट्स दे डोंट सिट ऑन द फ्लोर, दे सिट ऑन द चेयर एंड दे गेट देयर एजुकेशन. द चेयर टेबल्स आर देयर. ओके, सो फाइंड आउट फाइव डिफरेंसेस. अभी मैंने आपको समझाया तो उसमें भी डिफरेंसेस बता दिए कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं. सो फाइंड इट आउट एंड राइट इट. Now, the introduction. The Indian education system has been evolving since the British period. British period se Indian education system evolve ho raha hai, particularly at the high school level. In 1950s, the senior Cambridge examination gave way to the Indian School Certificate Examination, ICSC, administered by the Council for the Indian School. Certificate examination, CISCE, simultaneously the Central Board of Secondary Education, that is CBSC, began consolidating its position. धीरे धीरे ICSC पहले आया, उसके बाद CBSC आया. In the course of time, states across the country came up with their own boards to provide quality education. और इसके साथ साथ ही जो states थे, हमारी कंट्री के जो स्टेट्स हैं, वो अपना एक अपना बोर्ड लेके आए. दे केम अप विद देयर ओन बोर्ड जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके. प्री कॉलोनियल एजुकेशन, प्रायर टू द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, एजुकेशन वॉज नॉर्मली इम्पार्टेड बाय रिलीजियस फंक्शनरीज. अब ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जब तक इंडिया में नहीं आए थे ब्रिटिशर्स, तब तक ये जो एजुकेशन था ये रिलीजियस फंक्शनरीज के द्वारा दिया जाता था. Pathshalas manned by pandits and brahmins were there to impart elementary education to Hindu students, while tolls were for higher education. There were often no fixed school buildings. कोई school buildings नहीं हुआ करते थे, fixed school buildings नहीं होते थे. Teaching happened either under a tree, अभी आपने देखा उस picture में, या तो tree के नीचे बैठ के होते था, या in a temple or in the teacher's house. There was no fixed fee and the entire community supported the teachers or paid their fees. कोई fixed fee नहीं होती थी, teacher कोई fixed fee नहीं देता था, लेकिन जो पूरी community थी वो support करती थी teachers को, उनकी fee भी करती थी. The language of instruction was Sanskrit and education was restricted to only young men of the higher caste. लेकिन एजुकेशन जो था वो रेस्ट्रिक्टेड था यंग मेन के लिए, और वो भी जो हायर कास्ट के होते थे. सी, स्टूडेंट्स स्टडिंग इन गुरुकुल, गुरुकुल में इस तरह से पढ़ाया जाता. गर्ल्स यूजुअली डिड नॉट हैव एक्सेस टू एनी एजुकेशन. अब गर्ल्स के लिए एजुकेशन नहीं अलाउड था. द सब्जेक्ट मैटर लॉ
religion, astronomy, logic, literature and learning was based on traditional texts. Rote learning was preferred and students were expected to memorize traditional knowledge and ancient scriptures. Rote learning प्रेफर किया जाता था कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल याद कर लें, अच्छे से मेमोराइज कर लें ट्रेडिशनल नॉलेज और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को. देयर वाज नो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक. फॉर मुस्लिम्स मकतब्स वर फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन व्हाइल द मदरसा इम्पार्टेड हायर एजुकेशन. द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज यूजली पर्शियन और अरबिक. जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन था या तो पर्शियन होता था या अरबिक होता था. एंड वंस अगेन इट वॉज ट्रेडिशनल नॉलेज दैट वॉज अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स. इंस्ट्रक्शन बिगैन विद द चाइल्ड राइटिंग द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स इन सैंड. और बच्चे कहाँ पे लिखते थे, कॉपीज बुक्स नहीं होती थी तो वो अल्फाबेट्स को सैंड पे लिखते थे, बालू पे लिखते थे. वेन हिज फिंगर्स वर वेल ट्रेन्ड ही बिगैन राइटिंग ऑन अ वुडन स्लेट smeared with rice paste and pulverized charcoal. और जब उसकी फिंगर सैंड पे अच्छे से चलने लगती थी तब उसको दिया जाता था एक वुडन स्लेट. Another variety of slate was made from cloth, stiffened with rice water and covered with charcoal and several gums. और एक और तरह की स्लेट थी, एक तो वुडन स्लेट थी, दूसरी तरह की जो स्लेट थी वो थी क्लॉथ से बनी थी. क्लॉथ को राइस का जो वाटर होता है उससे स्टिफ कर दिया जाता था और फिर उसको चारकोल और दूसरे गम से गोंद से कवर कर दिया जाता था. अ पेंसिल मेड ऑफ वाइट क्ले वॉज यूज टू राइट ऑन दीज स्लेट्स. यू मस्ट हैव सीन सम स्लेट्स, आपने देखी भी होंगी स्लेट्स. द राइटिंग कुड बी वाइप्ड ऑफ विद अ वेट क्लॉथ. चौक से या स्लेट पत्ती जिसे कहते हैं, स्लेट पत्ती, उससे लिखा जाता था उस पर और गीले कपड़े से उससे साफ किया जाता था. These were inexpensive materials made locally by the pupils, parents or neighbors or older playmates. After learning the letters, the pupil proceeded to learn consonants, vowel signs, the names of birds, trees, etc. पहले तो उनको क्या सिखाया जाता था, consonants, उसके बाद vowels, पहले letters, फिर consonants, फिर vowel signs और names of birds, trees, etc. And then began arithmetic. Which started from the counting of numbers. फिर arithmetic start होता था जिसमें कि number counting सिखाया जाता था. Went up to fractions, measures of capacity, area, weight and so on. Overall, it seems that there was a system of community-based elementary education system across India before the colonial period. अब ये सब colonial period से पहले की बातें हैं. English system of education in India. The British came to India as a trading group. एक trading group बनके Britishers India में आए. They showed very little interest in the promotion of education in India. उनको trade से मतलब था, उनको education से कोई मतलब नहीं था. Eventually, when they took control of the administration of the country, they felt the acute need for clerks to maintain records and files. लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया इंडिया की, तब उनको महसूस हुआ कि उनको क्लर्क्स चाहिए जो कि रिकॉर्ड्स और फाइल्स को मेंटेन कर सके. इट वॉज नॉट वायबल टू गेट क्लर्क्स फ्रॉम इंग्लैंड फॉर सच लो पेड पोस्ट. और इतने लो पेड पोस्ट के लिए ये सही नहीं होता कि वो वहाँ से, इंग्लैंड से लोगों को लाते. That was when they decided to introduce the English system of education in India. तब उन्होंने इंडिया में इंडिया के लोगों के लिए English system of education introduce किया. Only a few educational institutions were set up to ensure a steady supply of Indian employees to the law courts run by the company in India. Their knowledge of classical languages was utilized by the British to establish correspondence with the native states. और native states से correspondence करने के लिए जो Indian लोग थे उनका जो classical language था उसको Britishers ने use किया natives के साथ correspondence करने के लिए. The first institution of such type were the, पहले institutes कौन से खुले थे institutions? Calcutta Madrasa was set up by Warren Hastings in 1781 for the study of Muslim law and related subjects.
Sanskrit College was established by Jonathan Duncan at Benares in 1791 for the study of Hindu law and philosophy. The Fort William College was established in 1800 for the training of civil servants of the company in languages and customs of India. Now, Wood's Dispatch, Practical and Moral Education. क्या था ये वुड्स डिस्पैच आइए पढ़ें. The proposed benefits of English education were brought out more clearly and better elucidated in 1854 in the Wood's Dispatch. This was a long note on education in India prepared by Sir Charles Wood. Sir Charles Wood ने एक बहुत लंबा एक नोट प्रिपेयर किया था फॉर एजुकेशन इन इंडिया. उस पे बेस्ड था. Who was the president of the board of control of the East India Company? अब चार्ल्स वुड कौन थे? ये प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ईस्ट इंडिया कंपनी में. As the president, Wood in 1854 sent a dispatch to Lord Dalhousie, then the Governor General of India, as dispatch number 49 on 19th July 1854 for creating a properly articulated system of education. Charles Wood ne Dalhousie ko ek dispatch number 49 bheja jisme ki ek क्या क्रिएट किया था? प्रॉपरली क्रिएटेड आर्टिकुलेटेड आर्टिकुलेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर द प्राइमरी स्कूल टू द यूनिवर्सिटी. द रिन्यूअल ऑफ द कंपनीज चार्टर इन 1853 प्रोवाइडेड द ओकेजन फॉर द डिस्पैच. द वुड्स डिस्पैच हाईलाइटेड टू प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया. अब जो वो डिस्पैच था, वुड्स डिस्पैच में क्या था, क्या हाईलाइट किया था उस वुड्स डिस्पैच में? दो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्यों प्रमोट करना है एजुकेशन को इंडिया में, क्यों प्रमोट करना चाहिए उसके बारे में था. फर्स्टली, एजुकेशन वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट एन इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग वेयर बाय इंडियंस वुड अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिश रूल एंड देयर बाय अडॉप्ट अ वेस्टर्न लाइफस्टाइल एंड क्लोथ्स प्रोवाइडिंग अ मार्केट फॉर इंग्लिश गुड्स इन इंडिया. पहला तो था कि एजुकेशन क्यों प्रमोट करनी थी, क्योंकि एक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसमें कि इंडियंस समझ जाएं कि ब्रिटिश रूल का क्या बेनिफिट है, बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, और जिस कारण वो क्या करें, वो समझने के बाद वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लें. एंड सेकेंडली, थ्रू द मॉरल क्वालिटीज प्रमोटेड बाय एजुकेशन सो इम्पार्टेड, Indians would attain higher levels of morality and become more honest and trustworthy. Fine? Now, to achieve these aims, the Wood's Dispatch made the following recommendations. Ab in aims ko achieve karne ke liye Wood's Dispatch ne kuch recommendations rakhi. The dispatch drew special attention of the government to the importance of placing the means of acquiring useful and practical knowledge within reach of the great mass of people. Ab special attention government ka unhone, is dispatch ne government ka dhyan apni aur akarshit kiya, to the importance of placing means of acquiring useful and practical knowledge. It declared that the aim of education in India was to impart Western education and the medium of instruction for higher education would be English. अब उसमें क्या declare किया गया कि India में education देने का aim क्या है? It was to impart Western education को impart करना उनका main aim था, और जिसका कि medium होगा English. However, it also emphasized the importance of vernacular languages. It proposed to set up vernacular schools in villages at the lowest stage, followed by Anglo-vernacular high schools and affiliated colleges at the district level. It proposed, ये सब dispatch में ये सब propose किया गया था. It proposed the formation of a department of public instruction under the charge of a director in each province. The universities in the model of London University were proposed to be set up in Calcutta, Bombay and Madras. See, this is Calcutta University, one of the first universities of modern India.
Calcutta University. Fine children, it mentioned the need for vocational trainings and setting up of technical training institutes, including teachers training institutes. Now, Woods Education Dispatch formed the basis of the education policy of the British government in India since 1854. अब ये जो वुड डिस्पैच था इसने एक बेसिस ऑफ इन एजुकेशन पॉलिसी सेटअप किया किसका ब्रिटिश गवर्नमेंट का. इट केम टू बी कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया. It was indeed a landmark in the history of education and presented a comprehensive plan for the later development of the educational system in the subcontinent. Now, interpretation. In accordance with the Woods Dispatch, education departments were established in every province and universities were opened in Calcutta, Bombay and Madras in 1857. वुड्स डिस्पैच के अकॉर्डिंग्स में एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किए गए थे हर प्रोविंस में और यूनिवर्सिटीज खोली गई थी कोलकाता, मुंबई एंड मेड्रास में, पंजाब इन 1882 एंड इलाहाबाद नाउ प्रयागराज इन 1887. ओरिएंटलिस्ट्स वर्सेस एंजलिसिस्ट्स. द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 मेड द प्रोविजंस for encouraging Indians to study the modern sciences in India. जो चार्टर एक्ट था 1813 का उसमें क्या प्रोविजन था? To encourage Indians, जिससे कि वो modern sciences की study कर सके. The act made the East India Company set aside a sum of rupees 1 lakh for the purpose of education. However, the amount was not utilized until two groups emerged with different views on the content and medium of instructions. They were the Angelicists and the Orientalists. दो ग्रुप्स आ गए थे इसलिए ये यूटिलाइज नहीं हो पाया ये अमाउंट बिकॉज टू डिफरेंट ग्रुप्स इमर्ज्ड. हु वर Angelicists? कौन थे? This team insisted on English being used as the medium of instruction and the team was led by Lord Macaulay. He was Lord Macaulay. अभी जो Angelicists थे इस टीम को लीड कौन कर रहा था? Lord Macaulay. और इसमें इस टीम ने इंसिस्ट किया कि इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा जाए. एंड Orientalists, who were they? H.T. Prinsep supported the traditional learning and the use of vernacular languages such as Sanskrit, Arabic and Persian. जो H.T. Prinsep थे उन्होंने किस चीज़ को सपोर्ट किया? ट्रेडिशनल लर्निंग को सपोर्ट किया और यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया जिसमें कि संस्कृत, अरबिक और पर्शियन आते हैं. फाइनली द Angelicists' views were accepted and Lord Macaulay wrote the Macaulay's Minutes which became the basis of the 1835 Act passed during the period of William Bentinck. Finally, Angelicists जो थे उनके views को accept किया गया और Lord Macaulay ने क्या लिखा? Macaulay's Minutes जो कि basis बन गया 1835 एक्ट का. और वो पास कब हुआ? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिंक. आफ्टर दिस एक्ट इंग्लिश एजुकेशन वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. इस एक्ट के बाद इंग्लिश एजुकेशन को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में. इन 1844 अ लॉ पास विच रिस्ट्रिक्टेड द गवर्नमेंट जॉब्स ओनली टू दोज हु हैड नॉलेज ऑफ इंग्लिश. नाउ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन. Many Indians were educated in English medium colleges, schools and colleges. This made them more aware about what is happening in the rest of the world. अब बहुत Indians ने क्या किया? School, English medium schools में उन्होंने education दिया, schools या colleges में उनको educate किया गया. अब उससे वो ज़्यादा और ज़्यादा aware हो गए कि पूरे world में क्या क्या हो रहा है. They got to know about great Western thinkers who talked about the equality of humans and the freedom of the nation.
This stirred a nationalistic spirit in the minds of the educated people. अब जो educated people थे उनके mind में एक nationalistic spirit का जन्म हुआ. Soon the country witnessed popular uprisings in the form of Swadeshi and boycott movements. Indians stopped going to English medium schools and colleges as a mark of their protest. और बहुत जल्द ही इंडिया ने witness क्या किया? कुछ पॉपुलर अपराइजिंग्स हुए. किस फॉर्म में? स्वदेशी के फॉर्म में या बॉयकॉट मूवमेंट्स के फॉर्म में. ऑन 16th November 1905 अ फ्यू एमिनेंट नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, राजा सुबोध चंद्र मलिक एंड ब्रजेंद्र किशोर रॉय चौधरी मेट टू डिस्कस द आइडिया ऑफ अ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन. In a meeting held a few months later, Subodh Chandra Malik pledged 1 lakh rupees for the foundation of a national university in Bengal, which is now Jadavpur University. Aur kuch mahine baad hi Subodh Chandra Malik ne 1 lakh rupee pledge kiya kiske liye? For the foundation of national university in Bengal, jise ki aaj kaha jata hai Jadavpur University. The objective in setting up the institution was to challenge the British rule over education by offering education to the masses on national lines and under national control. Raj Bihari Ghosh was appointed the first president of the university. Aur is university ke pehle president kaun bane? Raj Bihari Ghosh is university ke first president. Now Tagore's vision. रविंद्रनाथ टैगोर का क्या विजन था? ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड रविंद्रनाथ टैगोर फाउंड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल्स क्वाइट सफोकेटिंग. अपने चाइल्डहुड में रविंद्रनाथ टैगोर को स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सफोकेटिंग, उनका दम घुटता था उस एनवायरनमेंट में. फॉर हिम द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन. उनको जेल लगती थी, स्कूल जेल लगता था. He wanted a place where children could learn while enjoying their childhood. वो एक ऐसी जगह चाहते थे जहाँ पे बच्चे अपने चाइल्ड बचपन को enjoy करके education gain करें. He wanted an atmosphere where a child's creativity could be unleashed. He set up Shantiniketan near Calcutta in 1901. और उन्होंने इसी सोच के कारण उन्होंने शांतिनिकेतन सेटअप किया कैलकटा में 1901 में, बनाया शांति निकेतन. इट वॉज एन ओपन एयर स्कूल. टीचर्स वर एनकरेज टू हार्नेस द रियल एनर्जी एंड क्रिएटिविटी इन चाइल्ड. वहाँ पे टीचर्स को ये एनकरेज किया जाता था कि बच्चों की क्रिएटिविटी को बाहर, उनकी जो रियल एनर्जी है और क्रिएटिविटी है उसको बाहर लाया जाए. रविंद्रनाथ टैगोर इन शांति निकेतन. सी चिल्ड्रन, he is Rabindranath Tagore. After he received the Nobel Prize, the school was expanded into an international university and renamed as Vishwabharati. Shantiniketan ko rename kiya gaya, Vishwabharati kaha gaya. Aur unko kisko? Rabindranath Tagore ji ko Nobel Prize mila. Tagore envisioned a center of learning which would have the best of both East and the West. The university embodied this principle. It has two campuses. University ke do campuses hain Vishwabharati ke. One is at Shantiniketan and the other at Sriniketan. Okay? AI facts. The main role of AI in education is the automation of both academic and administrative tasks, personalized learning and all-time accessibility. Now let's read about Mahatma Gandhi and Nayi Taleem. Mahatma Gandhi argued that Western education only focused on reading and writing. Mahatma Gandhi ne hamesha Mahatma Gandhi se argument mein rehte the ki jo Western education hai wo keval focus karti hai padhne mein aur likhne mein. Learning to read and write was simple literacy. लिखना और पढ़ना आना एक सिंपल लिटरेसी होती है. एंड लिटरेसी वॉज नॉट एजुकेशन. लिटरेट होना एजुकेशन नहीं है. ही सेड एजुकेशन मेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन एंड मेन वेमेन, नॉट जस्ट द एबिलिटी टू रीड एंड राइट. जस्ट पढ़ना और लिखना आना ही एजुकेशन नहीं है. एजुकेशन
का मतलब होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट एक बच्चे का या किसी मेन का या वुमेन का. ही सजेस्टेड दैट क्राफ्ट आर्ट टेक्निकल स्किल लिटरेसी एंड एजुकेशन शुड ऑल बी इंटीग्रेटेड इनटू वन स्कीम. उन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी का सजेशन था कि ये जो आर्ट क्राफ्ट टेक्निकल स्किल्स लिटरेसी है ये सब एक इंटीग्रेट हो जाना चाहिए, एक साथ कर देना चाहिए इनको. ही कॉल्ड दिस नई तालीम और इसको उन्होंने नई तालीम का नाम दिया. अ बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम विच विजुअलाइज्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ लर्निंग अगेंस्ट द कन्वेंशनल एजुकेशनल सिस्टम विच इम्पार्टलाइज्ड formal education and real life. The Nayi Taleem aimed at bridging the gap and in achieving education through solving problems faced in real life. Now, objectives of Nayi Taleem. Ab is Nayi Taleem ke objectives kya the? To provide instruction and training in such branches of learning that would promote a classless and casteless society. नई तालीम के ऑब्जेक्टिव्स थे इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना सच ब्रांचेस ऑफ लर्निंग कि उससे क्या हो, एक क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी बने. टू कैरी आउट रिसर्च एंड डिसमिनेट नॉलेज टू फंक्शन एज अ सेंटर ऑफ एक्सटेंसिव वर्क लीडिंग टू इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट. नाउ चिल्ड्रन, द स्पॉट इंस्पेक्ट वी हैव जस्ट रेड Till now, whatever we have read, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके कुछ questions हैं. So just go through the questions and answer them. I'll just read the questions for you. Why was Calcutta Madrasa set up? क्यों बना था Calcutta Madrasa? Name the places where the British established universities. कहाँ का university establish किए थे? Why did Mahatma Gandhi want children to be taught some craft? जिससे कि all-round development हो. What is the full form of ICSE? And what do you mean by angelicists? Okay? Now moving further. Beginning of modern education in Aligarh and Baroda. Aligarh aur Baroda mein modern education kaise start hua? Aligarh. In Aligarh, Western education began largely due to the efforts of Sir Syed Ahmed Khan. Sir Syed Ahmed Khan ke efforts ke karan hi Aligarh mein Western education start hua. A reformer, कौन थे सर सैयद अहमद खान? A reformer who wanted to modernize the Muslims, जो कि मुस्लिम्स को मॉडर्नाइज करना चाहते थे. He established English medium schools. He also set up the scientific society at Aligarh to encourage rational thinking. और सर सैयद अहमद खान ने English medium schools establish किए, खोले और उन्होंने scientific society भी अलीगढ़ में बनाई जिससे कि rational thinking को encourage किया जा सके. In 1875, Sir Syed Ahmed Khan established the, look, this is Aligarh Muslim University. So in 1875, Sir Syed Ahmed Khan established the Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh, which later became the Aligarh Muslim University. Abhi dekha aapne Aligarh Muslim University, iska pehle naam tha Mohammedan Anglo-Oriental College. In this institution, he introduced technical education along with the study of arts and science. Arts and science bhi padhaya jata tha wahan aur technical education bhi di jati hai. And the medium of introduction was English. The Baroda University. The concept of establishing a university at Baroda, present day Vadodara, was first visualized by Dr. Jackson. When as principal of Baroda College in 1908, he advocated the establishment of a science institute on an improved and independent basis. Look, this is Baroda College, Vadodara College in 1908. Fine? In 1916 and again in 1919, review committees recommended setting up a civic university at Baroda. In 1926, the Baroda University Commission was appointed, which submitted its report in 1926. 1926 में Baroda University Commission को appoint किया गया, जिसने की एक report submit की.
Finally, the Baroda University was approved by the Legislative Assembly in 1949. Now, the traditional versus modern education system. जो traditional education system थे और जो modern education system है उसके बीच का difference देखते हैं. Let us now compare the traditional and the modern systems of education. The traditional system of education had the following characteristics. पहले हम पढ़ेंगे traditional education system के बारे में. A traditional school did not have any of the features that you see in schools nowadays. आजकल जो स्कूल्स में हमें देखने को जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो पहले ट्रेडिशनल स्कूल्स में नहीं थे. There were no classrooms, no textbooks, no roll call, not even school buildings. कुछ भी नहीं होता था पहले ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में. कोई टेक्स्टबुक नहीं होते थे, कोई क्लासरूम नहीं होता था, कोई रोल कॉल, जैसे हम रोल कॉल होते हैं ना, टीचर अटेंडेंस लेती हैं, वो नहीं होता था. इवन स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं होती थी. Schools were very often organized around one teacher. एक ही टीचर वो क्लास लेती थी या लेता था. The traditional schools were based on the requirements of the local people and run by them in a sense that they only taught you as much as you needed to learn. जो traditional schools थे वो किस पे based थे? जो भी local लोगों की requirement होती थी उस पे based थे. उतना ही बताया जाता था, सिखाया जाता था जितना उनको ज़रूरत होती थी. They were very affordable and it was not always necessary to pay fee in cash. बहुत affordable होते थे, हर कोई जा सकता था और कोई ज़रूरी नहीं था कि fee को cash में ही pay किया जाए. They were based in the local life cycles. Thus the school would not be held during harvest. Harvesting के time पे school open नहीं होते थे. This suited the rural children. जो विलेज से बच्चे आते थे उनको ये सूट करता था. Learning was in local languages and traditional knowledge was imparted. Till the middle of the 19th century, the colonial rulers were mostly concerned with higher education. But after the Woods dispatch, they began to concentrate on vernacular education as well. मिडिल 19th सेंचुरी के मिड तक तो जो कॉलोनियल रूलर्स थे वो ज़्यादातर कंसर्न किससे थे? हायर एजुकेशन से. लेकिन जब से वुड्स डिस्पैच आया उसके बाद से वो वर्नाकुलर एजुकेशन पे भी कंसंट्रेट करने लगे. लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ द चेंजेस दे वर एबल टू ब्रिंग अमंग इन द रीन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. क्या क्या चेंजेस ला सके वो. गवर्नमेंट अपॉइंटेड पंडित्स इन चार्ज ऑफ 4 to 5 स्कूल्स. It was their job to go around the schools and make sure that the teaching was of a certain standard and that classes were taken as per a timetable. Government ne pandits appoint kiye, pandit in charge of 4-5 schools. Wo jaate the school ka round lete the aur dekhte the ki sab kuch theek thaak chal raha hai ya nahi. They submitted periodic reports to the government. There was thus the beginning of state supervision of education. Education no longer remained a local or regional affair. वो कोई local या regional affair नहीं रह गया था education तब तक. The format of teaching changed completely. जो teaching का format था वो पूरी तरह से बदल गया था. Teaching was done through textbooks. Students were expected to attend schools regularly, pay fixed fee monthly and appear for exams to test their ability. और जो format change हुआ उसमें textbook use की जाने लगे. Students से expect किया जाता था कि वो regularly रोज आए school में और एक fixed monthly fee pay करें और जो test होते थे उसके लिए test भी देने आए. School buildings came up and a new type of discipline was imposed. School buildings भी बनने लगे और नए तरह का discipline भी आ गया. See, students attend their schools regularly. The schools which followed these rules were supported and funded by the government. जो भी schools ये rules follow करते हैं उनको कौन support करता था? Government support करती थी. State funding of education started. Independent पाठशालाज lost favor. जो independent पाठशालाज होती थी वो खत्म होने लगी धीरे धीरे. Because of the year-round teaching cycle, many rural families found it difficult to send their children to school. लेकिन अब इसमें जो ईयर राउंड पूरे साल जो टीचिंग साइकिल चलता था उस कारण जो रूरल फैमिलीज थी
वहाँ उनको मुश्किल होने लगी बच्चों को भेजने में स्कूल. ऑन द पॉजिटिव साइड गर्ल्स वर एनकरेज टू अटेंड द स्कूल. एक पॉजिटिव इसका साइड क्या था कि गर्ल्स को एनकरेज किया जाने लगे स्कूल जाने के लिए. सो नाउ द कैटलॉग चिल्ड्रन. क्लासिकल लैंग्वेजेस, द लैंग्वेजेस विच वर ट्रेडिशनली इन यूज इन इंडिया लाइक संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन. ये ट्रेडिशनली लोकल लैंग्वेजेस थे. पाठशाला, ट्रेडिशनल स्कूल्स अटेंडेड बाय हिंदूज. मदरसा, मदरसा इज एन अरेबिक वर्ड यूज फॉर स्कूल्स अटेंडेड बाय मुस्लिम्स. एनविजन्ड, इमेजिन एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी. वर्नाकुलर, अ लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट. नाउ लुक ओवर टू दिस चैप्टर. इन द 19th सेंचुरी इंडिया एलिमेंटरी एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड इन पाठशालाज फॉर हिंदूज एंड मकतब्स फॉर मुस्लिम्स. Higher education was imparted in tolls and madrasa in Sanskrit and Persian respectively. The first major step in the direction of imparting education was through the Charter Act of 1813. Lord Macaulay recommended the introduction of Western education in India. Mahatma Gandhi started the Nayi Taleem, which tried to link real life with education. जो नई तालीम थी उसमें रियल लाइफ को एजुकेशन के साथ लिंक किया गया था. सो नाउ चिल्ड्रन, सम एक्सरसाइजेस अंडर दिस एस्टिमेशन कॉर्नर. चूज द करेक्ट ऑप्शन. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1813, 1833, 1845, 1875. इट वॉज इन 1875. अ मदरसा वॉज सेट अप इन कलकत्ता टू प्रमोट द स्टडी ऑफ Arabic, ancient history of India, Muslim religion, Urdu for Muslim religion. For Muslims, dash were the for elementary education. Kya tha elementary education ke liye Muslims ke liye? Madrasa, tolls, maktabs, pathshalas, maktabs. Macaulay's Act was introduced in its 1835, 1854, 1874, 1884. It's 1835. Which of these cities in is nearly Shantiniketan? Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai. It's Kolkata, children. Fine? Now let's move further. Now children, let's do the fill in the blanks. Macaulay favored education in the dash system. In which system? In English system. Okay? Dash were appointed to supervise traditional pathshalas. Government pandits were appointed. Government pandits were appointed. The Calcutta Madrasa was established in 1781 by Warren Hastings. Okay? Dash believed that people should be trained in handicrafts rather than in literature. Mahatma Gandhi. The Charter Act of Dash provided for rupees 1 lakh to be spent annually for education of Indians in India. The Charter Act of 1813. In pre-British times, the Dash and Dash imparted elementary education. Kaun dete the elementary education? The Pandits and the Brahmins. Pandits and Brahmins. In 1719, Jonathan Duncan set up a college in Dash to study Sanskrit text. He set up a college in Banaras. Fine? Now, state whether the following statements are true or false. Rabindranath Tagore advocated strict discipline among children. False. He was not so strict. The Woods Dispatch was in favor of introducing English education in India. Yes, true. Lord Macaulay took the side of the Orientalists. False. Sayaji Rao III initiated the process of modern education in Baroda. False. The British were interested in spreading English education in India from the very beginning.
No, false. The educational scheme was called the Nayi Taleem, was introduced by The educational scheme called the Nayi Taleem was introduced by Mahatma Gandhi. True. All Pathshalas in India were given government grant. Yes, this is also true, children. So, I hope you have understood the chapter very well, and thanks for watching the video. We'll meet soon with a new chapter. Till then, stay happy and stay blessed. Bye.